after understanding why ethics are necessary and important to implement now we are looking into its historical development without understanding the historical importance for the code of ethics it would be very difficult to gauge that why we are going to go into further detail of all those historical uh, implications jiske result mein aaj hame apa code banane ki लेट मी ब्रीफ़ यू दैट फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर टू हैज बीन डिफरेंट इश्यूज दे हैज़ बीन डिफरेंट डिबेट्स के वॉर के दरमियान हम किस तरीके से ह्यूमन सब्जेक्ट्स को किसी एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं या हम उन्हें किसी हद तक यूज़ नहीं कर सकते इस सारी कश्मकश में इस सारी डिबेट के दौरान कुछ इस तरह की रिसर्च कंडक्ट हुई जिनके हवाले से मैं आज आपके साथ डिस्कशन करूँगी और उनके नतीजे में ए पी ए का वजूद अमल में आया एंड फाइनली ए पी एस लेड टू इट्स फर्स्ट कोड ऑफ एथिक्स इवन द फर्स्ट एवर स्टेटमेंट ऑफ एथिक्स फ्राम एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाई ए पी ए इन नाइनटीन फिफ्टी थ्री अब इमेजिन करें आफ्टर पासिंग द सेवनटी ईयर्स आज भी हम उसमें कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं ला सके और हम पूरे तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी शायद काम नहीं कर सके इंटरेस्टिंगली अगर आपको मैं ये शेयर करूं कि हमारे इस वक्त पाकिस्तान में जो ए पी ए के कोड ऑफ़ एथिक्स हैं उसके लाइट में जो पाकिस्तान में एथिकल पॉलिसीज़ बनी हैं वो भी अभी फॉर्मली जो है वो सिंडिकेट से अप्रूव नहीं हो सकी बट स्टिल द कम्युनिटी ऑफ साइक एंड द कम्युनिटी ऑफ साइकोलॉजिस्ट आर टायरलेसली वर्किंग ऑन इट सिंस टू थाउजेंड एंड वन टू डिप अ प्रॉपर कोड ऑफ एथिक्स विच शुड बी यू नो पार्ट ऑफ द रेगुलरी लॉ पॉलिस एंड हम उनको कोर्ट में और जस्टिस के दूसरे इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में यूज कर सकें डिवेलपमेंट ऑफ रिसर्च एथिक्स इवाल्व्ड ओवर द टाइम एंड इट हैज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट क्योंकि कोई भी चीज़ एक दिन में डिवेलप नहीं होती इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सपेरिमेंट इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड कि कहाँ हमें किस रूल को ट्रिम और ट्रेल करने की ज़रूरत है नाउ जो इम्पोर्टेंट माइल स्टोन्स इस जर्नी में हमने देखे मैं उनकी आज आपसे शेयरिंग करूँगी द फर्स्ट वन इज नूरम्बिक कोड नूरम्बिक कोड वॉज डिवेलप इनटीन फोर्टी सेवन एंड इट इज अ सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स एंड रिसर्च गाइडलाइंस विश विफिकली बींग डिप्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड वॉर टू की जब हम सिचुएशन की बात करें तो उसमें एक्सक्लूसिवली हम देखते हैं कि नाजीज़ जो हैं उन्होंने डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए अपने कैदियों के ऊपर और उन्होंने उनके ऊपर बहुत इन्यूमन और फैटल एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके नतीजे में वो डिफ़रेंट तरह के साइंटिफिक रिसर्च गेज करना चाहते थे लेकिन उन एक्सपेरिमेंट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया जो एथिकल हों और जो ह्यूमन और एनिमल सब्जेक्ट की बेसिक कोड्स को सामने रखते हुए की हों उसकी सबसे बड़ी रीज़न तो ये थी कि उस वक्त तक इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि एथिकल प्रोसीजर्स जो हैं वो क्या होते हैं और इन कोड्स को हमें किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए सो लेट मी शेयर अ फ्यू ऑफ दोज प्रॉब्लम्स विद यू इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग गाइडेंस इनफॉर्म कंसेंट इज़ एसेंशियल लाइक like, अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसका पर्पस ये है कि आप किसी केमिकल या किसी ड्रग को टेस्ट करने जा रहे हैं लेकिन पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म कंसेंट नहीं दिया गया एंड दे आर अन अवेयर ऑफ द फैक्ट कि क्यों ये स्पेसिफिक ड्रग उन्हें दी जा रही है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे तो इस सिचुएशन में इंफॉर्म कंसेंट का ब्रीच एक बहुत बड़ा क्राइम होगा एंड रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन प्रायर एनिमल वर्क जहाँ पे कोई क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं इट इज़ वेरी मच मैंडेटरी कि पहले उसको एक एनिमल सब्जेक्ट uh, लिया जाए और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए जैसे जितनी भी ड्रग्स बनती हैं जितनी मेडिसन्स बनती हैं जो हम स्किन uh, ट्रीटमेंट्स के लिए बहुत सारी ड्रग्स देखते हैं हम देखते हैं उस पर यह मैंशन होता है कि एनिमल ट्रायल्स वर डान और एनिमल ट्रायल्स वर नॉट डान सो उसकी सिग्निफिकेंस हमें वहाँ से पता चलती है कि पहले उसको ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करने की बजाय उसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो एनिमल्स पर टेस्ट किए गए हैं लेकिन कुछ सिचुएशंस में जहाँ पर हम उस ड्रग को सिर्फ एनिमल पे टेस्ट नहीं कर सकते और वहाँ पर ह्यूमन सब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है तो वो ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर्टिकुलरली कौन से होंगे ये कोर्स जिनकी आज हम बात करने जा रहे हैं इसमें मैं आपको कुछ ऐसे हकाइक भी बताऊँगी जिसमें हम ये महसूस करेंगे कि अगर हमने किसी ख़ास सिचुएशन में मैंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन पर कोई एक्सपेरिमेंट किया टू वेदर इट वॉज एथिकल और अनएथिकल कि पेरेंट्स को फोर्स किया गया कि वो मैंटली इल बच्चों को एक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ होने का कंसेंट दे दें तो इन सिचुएशंस में इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू सी कि हम डी ब्रीफिंग क्या दे रहे हैं हम आ, कितना वो उस रिस्क को जस्टिफाई कर सकते हैं और उसके एंटिसिपेटेड बेनिफिट्स को हम यूज़ कर सकते हैं सिर्फ क्वालिफाइड साइंटिस्ट ही को ऐसी रिसर्च करनी चाहिए इस तरह की रिसर्च हम Uh, नहीं अप्लाई कर सकते जब तक कोई बहुत ट्रेंड इंसान उस पर काम ना कर रहा हो होकलेन ऑफ हेल्थी इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मेडिकल uh, फील्ड uh, के लिए अभी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोर्ट के तौर पर काम करती है द वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन हैज डिवेलप दैट डेक्लेन एंड इट इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट कि हमने किन मेडिकल सिचुएशन में किन एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा Uh, इसमें ज़्यादातर रिसर्च जो है वो ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर की जाती है क्योंकि इसमें हम इस तरह की uh, ड्रग्स और इस तरह के क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं जो बाद में ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स के ऊपर ही एप्लीकेबल करने होते हैं इसके मेजर पॉइंट्स में अगर देखा जाए तो प्रोटेक्टिंग पेशेंट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज आप किसी पेशेंट की हेल्थ को स्टेक पे लगा के कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते नॉलेज कैनॉट ट्रैम्पल राइट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज We just can't, you know, involve some someone into a risky situation. Then additional consideration should be looked up. Uska kitna fayda hai, ya uska hai. Then following local regularity norms. If hospital, ho we have to see that whether that particular hospital allow us to do that research or not and then risk burdens and benefits. So these three things should be equally balancing out in any research. Vulnerable groups and individuals may not be used for any such research, and research ethic committees should be established who can see and gauge that either this particular kind of experimentation should be done or not. And then, last but not least, is the confidentiality. If we are going to treat anyone with any particular treatment, ther therapy, or intervention, that should not be uh, given, you know, open to. Uh, अदर पर्सनस लाइक एक बंदे की कॉन्फिडेंशलिटी ब्रीच करके हम दूसरे लोगों को उसको सोशल रिप्यूट को डैमेज करने के उसकी फ़िज़िकल रिप्यूट को डैमेज करने की अटैम्प्ट uh, नहीं कर सकते